कानून, चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन अगर कहीं से आवाज निकली है तो लोकतंत्र में उस आवाज की हम अनसुनी नहीं कर सकते। ये हमारी कमी थी कि हम लोगों ने सही चीज समय पर उन लोगों तक पहुंचाने में कोताही बरती होगी, लेकिन जब कहीं से आवाज उठी है तो उसकी भी सुनवाई होना और फिर आपसी समन्वय से, बातचीत से, संवाद से हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है और इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून को वापस लिया है। आज इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए, इस कार्य का स्वागत होना चाहिए कि हम इन समस्याओं का समाधान संवाद से करेंगे। और उस कार्यक्रम को भी आज किया है, गुरु परंपरा के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति, यह हम सबकी एक सच्ची श्रद्धा का एक प्रमाण है। मैं एक बार फिर से आज के इस प्रकाश पर्व पर आप सभी भाइयों को, सभी बहनों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान से हम सब सदैव प्रेरणा प्राप्त करके अपने देश और अपने धर्म के लिए सदैव कार्य करते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।